आंसू चुराने वाला हर आंख में समंदर दे गया। उमर शरीफ का जज्द खाकी, सरखाने से घर मुंतकिल, चाहने वाले हजारों कतार रो पड़े। रास्ते भर एम्बुलेंस पर गुलपाशी, कौमी परचम में लिपटी मैयत। आज अलसुबह टर्किश एयरलाइन से लाई गई। नमाज जनाजा 3 बजे क्लिफ्टन के उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी। मौलाना बशीर फारूकी पढ़ाएंगे। तदफीन अब्दुल्ला गाजी के मजार के अहाते में होगी। इंतजामात मुकम्मल। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन नैब रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान, सदारती ऑर्डिनेंस आज जारी किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा वजीर आजम अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे। वजीर कानून फरोग नसीम ने बयान की नफी कर दी। बोले नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर शहबाज शरीफ से मुशावरत होगी, डेडलॉक हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा। चेयरमैन नैब केस नहीं फेस देखते हैं, मुद्दत में तौसी का ऑर्डिनेंस सिर्फ एक शख्स के लिए है। एहसन इकबाल की चेयरमैन नादा को वार्निंग, कहा वोटर लिस्ट में तरमीम की तो मुकदमा दर्ज करवाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली का मंसूबा है, ये ना हुई तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात के खिलाफ यंग डॉक्टर्स मैदान में। आज मुल्क भर में ओपीडीज बंद, पेंस में तमाम ऑपरेशंस मुलतवी। इमरजेंसी, डेंगी और कोरोना वार्ड्स खुले हैं। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार डॉक्टर्स की रिहाई तक मुज़ाकरात ना करने का फैसला। कहते हैं मालूम नहीं 100 से ज़ायद डॉक्टर्स कहाँ हैं। डी चौक पर धरना 12वें रोज भी जारी। बलोचिस्तान में तब्दीली के आसार, वजीर आला जाम कमाल को इस्तीफा देने की मोहलत खत्म होने में 5 घंटे बाकी। बीएपी के 11 और चंद इत्तेहादी अराकीन ने आदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा शाम 5 बजे तक इस्तीफा नहीं दिया तो तहरीक आदम एतमाद लाएंगे। तहरीक आदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए 33 अरकान की जरूरत है। मुल्क में पोलियो केसेस में नुमाया कमी आई है। रवा साल 1 केस रिपोर्ट हुआ। वजीर आजम ने बिल गेट्स का टेलीफोनिक राबिता। इमरान खान ने कहा पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़म है। बिल गेट्स के ताबुन की तारीफ। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक की ताबुन जारी रखने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में कातिल मच्छर के बाद डेंगू से एक और हलाकत। जहां बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। शहर इक्तदार में 62 नए केसेज रिपोर्ट। पंजाब में मजीद 195 अफराद वायरस का शिकार। 139 का ताल्लुक लाहौर से है। कोरोना से अमवात की शरह 2.5% के करीब, 2.6% रिकॉर्ड। मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। 1212 नए केसेज रिपोर्ट। और बुलेटिन में मिलवाएंगे आपको सियालकोट की इशा से, जिसने अपने घर में फजर जैसा उजाला कर दिया। 17 साल बासलाहियत लड़की बीमार वालिद का सहारा बन गई, देगें पकाने लगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।